अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद जावेद ख़ान। आप देख रहे हैं टेक मास्टर JK। तो आज हम लेकर आए थे आईकू Z7S, जो कि हम आज इसकी करेंगे अनबॉक्सिंग। तो इसके बॉक्स के ऊपर के स्पेसिफिकेशन देख लेते हैं। तो यहाँ पर लिखा है आईकू Z7S 5G। ये हमारे पास है 6 GB 128 GB वेरियंट नॉर्वे ब्लू कलर का है, और उस पर ज़्यादा कुछ है नहीं बॉक्स पे। तो सीधा सीधा हम करते हैं इनको फटाफट अनबॉक्स। हमने ये किया सील ब्रेक, हमने किया अनबॉक्स, ये निकाला हमने सीधा फ़ोन को। तो ये फ़ोन को हम साइड में करते हैं, आते हैं पहले बॉक्स के कंटेंट में, देखते हैं क्या क्या है। हमारा ये ऊपर मिल जाएगा एक केस, जो कि सिलिकॉन ट्रांसपेरेंट एकदम है, लो क्वालिटी का ठीक ठाक है। इसमें IMEI नंबर है, ये कुछ डॉक्यूमेंट्स, क्विक गाइड, वारंटी कार्ड है। तो ये हमारा USB केबल, जो कि Type-A to Type-C है, इसको भी साइड में रखते हैं। और ये हमारा 44 वॉट का वीवो का फ्लैश चार्ज है, जो कि बहुत ही फास्ट चार्जिंग करेगा, 23 मिनट में 50% कर देगा। तो इसको भी साइड में रखते हैं, आते हैं। ये है हमारा सिम एडिटर पिन, यही सब था बॉक्स में। ये सब किनारे करते हैं, आते हैं सीधा मोबाइल की तरफ। इसको करते हैं ऑन, इसको ऑन होने देते हैं, तब तक देखते हैं इसके ओवरव्यू को। ये हमारा स्पीकर ग्रिल है, ये Type-C, और ये हमारा हेड 3.5 हेडफोन जैक। ये माइक्रोफोन इस साइड में पूरा क्लीन है। ऊपर की तरफ है ये सिम ट्रे, इसको निकाल के देख लेते हैं इसमें डेडिकेटेड है या फिर हाइब्रिड। इसमें डेडिकेटेड है, जो कि आप एक सिम एक SD कार्ड लगा सकते हैं, या फिर दो सिम एक साथ लगा सकते हैं। और ये हमारा सेकेंडरी माइक्रोफोन है नॉइज कैंसलेशन के लिए। ये हमारा वॉल्यूम अप डाउन, और ये हमारा पावर ऑन ऑफ। और यहाँ पीछे का लुक देख सकते हैं आप, काफ़ी मस्त लग रहा है। आईकू की ब्रांडिंग इधर है। इधर हमारे पास दो कैमरे मिल जाते हैं, जो कि 64 MP OIS कैमरा है, और ये 2 MP का है, जो कि बूके इफेक्ट के लिए काम आता है। और ये हमारा फ्लैश है। तो ये है वीवो आईकू Z7S। तो आप देख सकते हैं इसका कलर बहुत मस्त लग रहा है, ये पूरा मैट फिनिश है, पर इसमें अलग अलग इफेक्ट आते हैं। ये पूरा साइड फ्रेम देख सकते हैं, हालांकि ये पूरा पॉलीकार्बोनेट है, फिर भी चीप क्वालिटी नहीं फील होती है, एकदम प्रीमियम क्वालिटी फील होती है। तो चलो तब तक इसको सेटअप मार के आते हैं, देखते हैं अंदर क्या क्या है। तो दोस्तों हमने सेटअप मार लिया, फिर देखते हैं इसको अंदर। इसमें काफ़ी ब्लोटवेयर भरे हुए हैं, आप देख सकते हैं काफ़ी बहुत सारे ब्लोटवेयर हैं। तो आप इनको अनइंस्टॉल भी कर सकते हैं, जैसे हमने ये Spotify को डिलीट करना चाहा, पहले इसको नेक्स्ट करते हैं, गोट इट। Spotify पे अनइंस्टॉल ऐप सारा, इस पर करके आप इंस्टॉल इसी तरह जो भी फालतू के ऐप अनइंस्टॉल कर सकते हैं, अननेसेसरी ऐप जो हैं। अब आते हैं हम इनके सेटिंग में, अबाउट फोन में। ये हमारा 6 GB का रैम है, इसमें आप 6 GB तक एक्सपेंड भी कर सकते हैं रैम, जो कि 12 GB तक हो जाएगा वर्चुअल रैम। इसमें हमारे आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉयड 13 और फन टच OS 13 मिलता है। ये हमारा 128 GB वेरियंट है। ये इसमें आपको स्नैपड्रैगन 695 का प्रोसेसर 5G, जो कि 6 5G बैंड है। इसमें 2.2 की हर्ट पे बेस है, 6 NM का प्रोसेसर है, जो कि काफ़ी बैटरी इफिशेंट है। बैटरी की बात करते हैं, इसमें 4500 mAh की बैटरी दी हुई है, जो कि 44 वॉट का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है। आप इसको 23 मिनट में 50% फास्ट चार्जिंग कर सकते हैं। तो इसको हम बैक करते हैं, आते हैं इसमें। अब डिस्प्ले किसकी बात करते हैं, 6.38 इंच का सुपर ओमलेड डिस्प्ले 90Hz का है, जो कि 360Hz टच सैम्पलिंग भी मिलता है इसमें, आप डिस्प्ले में देख सकते हैं। और इसमें जब सुपर ओमलेड डिस्प्ले, तो इसमें इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट भी मिलता है, उसमें उसको भी अभी सेट करके दिखाते हैं। इसमें देखते हैं 90Hz है, इसको बैक करते हैं। काफ़ी स्मूथ है फ़ोन, आप इसमें डार्क मोड अगर लगाएंगे तो एकदम प्योर ब्लैक दिखेगा, एकदम प्योर ब्लॉक। तो इसको डार्क मोड पर हम बताते हैं, आते हैं इसके सिक्योरिटी में देखते हैं फिंगरप्रिंट।
एंड डिस्प्ले फिंगरप्रिंट दिया हुआ है। इसको ऑन करते हैं, लगाते हैं, हमने लगाई है पैटर्न, डन। डिस्प्ले फिंगरप्रिंट के लिए एग्री, ये डिस्प्ले फिंगरप्रिंट लग रहा है हमारा, तो फटाफट इसको हम लगा के वापस आ गए। हमने फिंगरप्रिंट इंस्टॉल कर दिया है, तो इसको ओपन करते हैं। काफ़ी फास्ट यूनिक है, इसमें आपको एनिमेशन भी चेंज करने का ऑप्शन मिल जाता है फिंगरप्रिंट में, जो कि इसी में मिलेगा। फिंगरप्रिंट में जाने के बाद इसको अनलॉक करेंगे, उसके बाद यहाँ देखो फिंगरप्रिंट इंट्रक्शन दिया हुआ है, यहाँ एनिमेशन स्टाइल है। आप 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 टाइप के एनिमेशन दिए हुए हैं, जो कि आप जो पसंद हो आपको लगा सकते हैं। काफ़ी मस्त लगते हैं एनिमेशन। आइकन पैटर्न भी दिए हुए हैं, मतलब फिंगर जब लो करे कैसा दिखे। इसमें आपको 4, 5, 6, 7 तरीके के दिखते हैं, जो कि काफ़ी मस्त है। अब आते हैं इसके कैमरे पे। इसमें 64 MP का OIS कैमरा दिया हुआ है, कैमरा मस्त देखे जाते हैं। एक फ़ोटो क्लिक करते हैं, देखते हैं क्वालिटी। हमने किया एक फ़ोटो एक क्लिक, देखते हैं कैसी आती फ़ोटो क्वालिटी। फ़ोटो काफ़ी ज़बर लग रही है देखने में, फ़ोटो काफ़ी काफ़ी मस्त है। तो इसको बैक करते हैं, देखते हैं फ्रंट कैमरा। फ्रंट कैमरा इसका है 16 MP का, जो कि आप देख सकते हैं क्वालिटी भी इसकी भी अच्छी है, काफ़ी मस्त आ रही है। इसके कैमरे के फीचर की बात करते हैं, आपको इसमें मिलता है फोटो मोड, पोर्ट्रेट मोड, नाइट मोड। ये हमारा पोर्ट्रेट मोड है, ये हमारा वीडियो मोड, ये माइक्रो मूवी मोड है, जो कि आप इफेक्ट लोड करके भी बना सकते हैं। ये मोर में आते हैं, हमारा मोर में हमारे दिया ये 64 MP का अल्ट्रा मोड, जो कि 64 MP का निकाल सकता है कैमरा। ये अल्ट्रा HD जूम करने की क्वालिटी, डबल पी में डबल एक्सपोज मिलता है, टाइम लैप मिलता है, डुअल व्यू मिलता है, प्रो मोड, डॉक्यूमेंट्स, लाइव फ़ोटो, AI स्टिकर्स, स्लोमो भी मिल जाएगा आपको। आप इसकी वीडियो क्वालिटी की बात कर सकते हैं, तो इसमें आप 1080p 60 FPS पर हाईएस्ट रिकॉर्ड कर सकते हैं। इसमें अल्ट्रा स्टेबल भी दिया हुआ है, जो कि OIS के साथ काम करेगा 60 FPS और 30 FPS, आप देख सकते हैं। तो बस यही था iQOO Z7 की अनबॉक्सिंग, क्विक अनबॉक्सिंग, जो कि उम्मीद है दोस्तों आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई होगी तो हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।